हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंगो गेमिंग। तो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई फ्री फायर के एकदम मार धाड़ वाले गेम प्ले में। और गाइस, इस बार भाई तुम्हारा भाई जा रहा है अपनी पूरी स्क्वाड के साथ में। और गाइस, मेरी जो स्क्वाड है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्क्वाड है। तो गाइस, हमने यहाँ सोचा था भाई कि यहाँ बहुत सारे बंदे आएंगे, लेकिन यहाँ पे लिटरली गाइस, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें वीडियो में पता लग ही जाएगा कि यहाँ पे सीन क्या होते हैं। तो गाइस देखो, अभी हमारी लैंडिंग हो चुकी भाई। और गाइस, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लोग लाइक कर दो। और भाई, चैनल पर अगर पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फाइनल गाइस देखो, अभी भाई मैंने लूटपाट तो कर ली, लेकिन गाइस वहां पे एक भी बंदा जस्ट नहीं आ गया। तो मैं वहां से आया पीक, पीक पर गाइस कोई बंदा नहीं होता, तो यहां से गाइस मैं जिप लाइन सीधी पकड़ता हूं और भाई मैं सीधा जाता हूं भाई पोचिंग में। देखो, कई बार क्या होता है भाई कि हमारी सोच से भाई परे बंदे चले जाते हैं, यानी कि हम सोचते हैं बंदे आएंगे, लेकिन भाई भाई वहां बंदे आते ही नहीं है। भाई हमारे साथ ही वहां कुछ सीन ऐसा ही हुआ। देखो, मैं सीधा पूछने को आया, यहाँ पे गाइस एक बंदा होता है, उसका फायर मुझे आया, तो मैं सीधा भाई उसी शर्ट गया, क्योंकि मुझे बंदे नहीं मिले। तो मैंने कहा जिधर भी बंदा मिलेगा उधर ही उसे मारूंगा। और तब गाइस बंदा आता है सामने घर में, देखो भाई खिड़की तो मैंने देख लिया, मैंने ये तो आजा सामने और आजा। और भाई साहब, अगर ऐसे ऊपर बंदा आया कोई उसे मारो तो भाई कितना ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने इस बंदे को निपटाया, और भाई साहब उसके पास काफी अच्छी लूट थी जो कि गाइस मुझे मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस बंदे को मार देता हूँ फिर मैं बढ़ता हूँ आगे के लिए। और यहाँ पे गाइस जोन भी आ रहा होता है, लेकिन भाई यहाँ पे मैं क्या करता है, मेरा जो टीम मेट है इसके पास एक लॉन्च पैड है, तो मैंने कहा भाई ठीक है रिप्ली तू लगा दे भाई, मैं उसे लॉन्च पैड कहूंगा। तो भाई इन्होंने देखो लॉन्च पैड लगाया, और भाई साहब यहाँ से सीधा डायरेक्ट लैंड करेगा फैक्ट्री की छत पर। और गाइस मैं भी कुछ ऐसे करता हूँ, लेकिन भाई मुझे बहुत जोर से पड़ने लगती, तो भाई मैं ग्लू वॉल लगा देता हूँ। और जैसे गाइस मैंने ग्लू वॉल लगाया, तो भाई मेरे राइट में बंदे होते हैं, तो गाइस मैं राइट में भी ग्लू वॉल लगा देता हूँ। और जैसे गाइस मैंने इस साइड ग्लू वॉल लगाया, तो फिर मैं सोचता भाई मैं भी फटाफट फैक्ट्री जाऊँ। और भाई फैक्ट्री पे अनलिमिटेड भाई वहाँ कम से कम 2 से 3 स्क्वाड पहले से है। दो गाइस मेरा किल वहाँ एक है, और गाइस तुम खुद ही देख लेना भाई कि मेरे किल वहाँ पे कितने हो जाएंगे। और दो गाइस मैं सीधा करती फैक्ट्री आया, और भाई देखो बैक टू बैक भाई देखो एक बंदा जस्ट ऊपर गिरा है, तो मैं तो गिर गया गाइस नीचे। तो मैं चलो भाई अब इस बंदे को मारते हैं, और यहाँ पे गाइस ये दो बंदे, लेकिन भाई सिर्फ डैमेज किया, कुछ किया नहीं पाया। अरे भाई कितना डैमेज खाएगा ये बंदा। और भाई साहब ये लो भाई टीम मेट ने किल चुरा लिया हमारा, अगर तो यहाँ एक किल तो गाइस मेरा छू ही चुका है, तो बार दूसरे किया। चलो भाई यहाँ पे दूसरे बंदों को मैंने नॉक किया, एक बंदा गाइस सामने, तो इस बंदों को मैं इसमें मारूंगा, लेकिन थोड़ा वेट करता हूँ, उसके बाद गाइस इस पे दूंगा मैं। और गाइस मुझे पक्का पता था बंदा गया जस्ट इसके पीछे, तो मैं कहा भाई मैं इसे इंगे से मारूंगा। और यहाँ पे गाइस मेरे पास एक भी हीलिंग नहीं है, और ये बंदा देखो वो बैठा हुआ है, मैं मारता हूँ इसे। एड बैंक गाइस मैंने इसे नॉक किया, और भाई साहब जिग रैकर से मैंने भाई इसे फिनिश किया। अब देखो भाई मेरे यहाँ हो गए 4 किल, मतलब गाइस मेरे यहाँ हो चुके हैं 3 किल। तो गाइस मेरे 3 किल तो हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलो भैया फटाफट की लूटपाट कर लेते हैं। और भाई साहब जोन साला कट जाता है नीचे की साइड, तो मैंने कहा चलो भाई जोन नीचे कट चुका, तो गाइस मैं कूद जाता हूँ नीचे। अब गाइस देखो मैं बटन लूंगा नीचे से खेल, अब जैसे मैं यहाँ से नीचे कूदा, तो गाइस मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे एक बंदा होता है नीचे की साइड। अब देखो बंदा आ रहा है सामने फैक्ट्री की तरफ, तो मैंने कहा चलो भाई इसे नोट करते हैं, डैमेज तो कर दिया है, और कहीं ना कहीं भाई मैंने उसे एक हेड मार दिया। अब जैसे मैं इस बंदे को हेड मारता हूँ, तो मैं जाता हूँ इस बंदे को फिनिश करने के लिए। और भाई साहब एंड के सिर्फ भाई 10 बंदे अभी भी लाइव बची हुई है, जिसमें गाइस 3 तो हमें और भाई 7 एनिमी है। तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ कि भाई मैंने उस बंदे को फिनिश किया, और तब गाइस मैं बढ़ता हूँ आगे के लिए, लेकिन एक बंदा जस्ट मेरे बंदे से फाइट लड़ रहा है, तो टीममेट भाई इंग्लिश में कवर फायर दे रहा था, मैं गया उसके पीछे से। और भाई यहाँ पे गाइस अगर ये बंदा एफएम का यूज कर रहा होता, तो ये बंदा मारा नहीं जाता, लेकिन भाई मुझे कहाँ से पड़ रही। तो फटाफट गाइस मैंने यहाँ ग्लू वॉल लगाया, और गाइस मैं यहाँ करता हूँ अपनी हीलिंग। और यहाँ पे गाइस अब ऐसी भसड़ मचने वाली है, देखो भाई मेरा टीममेट नॉक, और भाई पूरा खत्म। और भाई जो सामने की जो टीम है गाइस वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टीम है, यानी गाइस हमें इतना ज्यादा डैमेज दे रहे हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम खुद ही देख सकते हो। और तभी गाइस मेरे राइट में एक बंदा होता है बहुत दूर, तो मैं उस बंदे को पहले फिनिश करता हूँ। और गाइस ये बंदा भाई अपनी टीम का आखिरी बंदा होता है, जो सामने पेड़ देख रहे हो ना टावर के पास में, उसी टावर के पास में एक बंदा है, तो मैंने उसे देखो पहली बार में लिया था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो बंदा थोड़ा बाहर निकले, उसके बाद उस बंदे को मैं मारूँ। और जैसे कैसे बंदा बाहर आएगा तो मैं उसे जरूर मारूंगा। और फाइनली गाइस वो बंदा जैसे को टावर से कूदा, और भाई वहीं पर खड़ा हो गया। तुमने गाइस वीडियो में देखा होगा, अगर तुम्हें नहीं देखा होगा तो तुम रिवर्स करके वीडियो देख सकते हो। और भाई देखो मैं उस बंदे को मारूंगा, तो तुम्हें स्पेटी दिखेगी, उसने देखो सामने ग्लू वॉल लगा रखा है, तो मेरा जो फोकस था वो सामने वाले बंदे पे ही था। और भाई साहब यहाँ पे गाइस मैंने किसी टीममेट को चलाते हुए, और गाइस यहाँ पे मेरे टीममेट ने कहा कि तुम ग्लू वॉल बर्बाद मत करो, मैं ही ग्लू वॉल लगाऊंगा, हम दोनों एक ही ग्लू वॉल की कवर में रहेंगे। तो मैंने कहा भाई टीममेट की बात तो सही है भाई, ग्लू वॉल कवर में रहेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, दोनों टीममेट साथ साथ में,
तो टीम मेट ग्लू वॉल लगा रहा है और भाई मैं उसी के ग्लू वॉल की कवर में रह रहा हूँ। और गाइस सामने की साइड भाई पूरी पूरी स्क्वाड, और वो स्क्वाड गाइस ऊंचाई पे, और तुम्हें बताया भाई कि ऊंचाई पे से गाइस नीचे वाले बंदों को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इस बंदे को गाइस मैंने इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया, अगर गाइस यहाँ पे भाई मेरी बुडवैकर में दो एमओ और भी होती तो मैं इस बंदे को डाउन कर देता। अब यहाँ पे एक बंदा पे मार रहा है रस, और एक बंदा जस्ट मेरे सामने भी है, और इसलिए एक बंदा गाइस वो जोन में मर गया। तो भाई टीम मेट ने ग्लू वॉल लगाया और भाई हम दोनों एक ही ग्लू वॉल कवर मर रहे हैं। अब जो सारे बंदा आता है, मुझे लगा भाई ये बंदा ग्लू वॉल नहीं लगाया, लेकिन टीम इंडिया भाग गया। और चलो भाई साहब एंड देन गाइस मेरे ख्याल से भाई कुछ कम इसकी हीलिंग बची हुई, और भाई टीममेट मेरा मर गया जोन में। तो वैसे भी आप बन भी बनती फाइट रह गई है, एक सामने बंदा और एक में। तो गाइस मुझे जाना है जोन के अंदर, क्योंकि भाई अगर मैं जोन के अंदर नहीं गया तो भाई मैं वैसे मर जाऊंगा। तो मैंने कैसे ग्लू वॉल लगाया, और भाई ये बंदा पता नहीं है यहाँ पे ना कौन सा स्कैम कर लेता यार, मेरी यहाँ पे समझ ही नहीं आता, तुम खुद देखो। और भाई साहब ना जाने गाइस क्या हुआ ये, और भाई मैं खत्म। तो वीडियो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।